कोहरा देखो कोहरा, ऐसा लग रहा है हम गलत दिन में निकल गए। इतना कोहरा है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। खेत देखिए, पास में खेत है, खेत वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल गोपाल्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ नोएडा से नैनीताल, और ये पूरा सफर जो होगा बहुत खूबसूरत होगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नोएडा से रुद्रपुर हम गाजियाबाद होते हुए हापुड़, हापुड़ से मुरादाबाद, और मुरादाबाद से रामपुर होते हुए रुद्रपुर पहुँचेंगे, और फिर रुद्रपुर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से काठगोदाम, काठगोदाम से भीमताल, और भीमताल से हम नैनीताल पहुँचेंगे। और ये वीडियो जो होगा वो सीरीज के माध्यम से आएगा, वन बाय वन। मॉर्निंग में निकलने का बेनिफिट हमें ये हो रहा है कि रास्ते में भीड़ कम है, बट ये भी है कि हमें कोहरा फेस करते हुए जाना पड़ रहा है। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा बाबा। नोएडा से नैनीताल के बीच की दूरी लगभग 320 से 30 किलोमीटर है, और ये दूरी हम अपने बाइक से कवर करेंगे पूरा। कोविड के बाद ऐसा लग रहा था लाइफ सिमट सा गया है। 3 महीने घर पे बंद रहने के बाद जब हमारा ऑफिस खुला, ऑफिस घर ऐसे ही हमारा 4 महीना और निकल गया। अब टाइम था बाहर निकलने का, दुनिया को एक्सप्लोर करने का। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नैनीताल से, और जाते हैं नैनीताल घूमने। हम रामपुर पहुंच गए हैं। यहां से ढाबे से हमने चाय नाश्ता थोड़ा सा कर लिया है। अब हम यहां से डायरेक्ट जाएंगे रुद्रपुर। नोएडा से हम सुबह 7 बजे ही निकल गए थे। जब हम निकले थे तब काफी कोहरा था, अभी मौसम थोड़ा सा खुल गया है। अब आगे नैनीताल पहुंच के देखते हैं कि नैनीताल का मौसम कैसा है। हल्द्वानी 57 किलोमीटर, नैनीताल 96 किलोमीटर, और रानीखेत है 145 किलोमीटर। तो रानीखेत यहाँ से काफ़ी दूर है, हम जाएंगे नैनीताल। 96 किलोमीटर हम कवर करेंगे। यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है, तो हमें घूम कर जाना पड़ेगा। अरे भैया, यहाँ पे भी किसान आंदोलन चल रहा है। और ये हुक्का भी साथ लाओ। हुक्का भी साथ है, कर्शान का तरसूल भी साथ है। अच्छा। हमें बढ़ता को जोटा दे के हुक्का पीते हैं, फिर छेड़ देते हैं। यार दिल्ली से रामपुर आने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही जितनी रामपुर से लेकर रुद्रपुर से जाने में हो रही है। बहुत ज़्यादा रोड खराब है, बहुत ज़्यादा। कॉलोनी कैसी है, एक एक घर है, थोड़ा सा था दिखा दिया है। घर आ गए,
और बढ़िया, क्या हाल हो गया यार, पूरा धूल से भर गया। और यहाँ पे हमारा खाना बन गया है, दोस्त ने पहली बार खाना बनाया हमारे लिए, बनाया चावल, बनाया अंडे की सब्जी और रायता। चलो अब इसको खत्म करते हैं। One hour later. तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, चलिए अब नैनीताल की तरफ बढ़ते हैं। चलो सामान उठाओ। हम लोग यहाँ निकले हैं दिनेशपुर, रुद्रपुर दिनेशपुर रोड से, और हम यहाँ से सीधा पहुँचेंगे अशोका लेलैंड जो कि मटकटा मोड़ के पास में है, और मटकटा मोड़ से हम हल्द्वानी की तरफ मुड़ेंगे और सीधा चलेंगे हल्द्वानी। यहाँ पर हम ये मटकटा मोड़ में पहुँचने वाले हैं, और उससे पहले ये फाटक पड़ता है, और हम राइट साइड में देख पाएंगे अशोका लेलैंड का प्लांट है यहाँ पर जो रुद्रपुर वाला, और वो बहुत ही बड़ा प्लांट है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है इस प्लांट से, और इसका गेट आने वाला है अशोका लेलैंड का। यहाँ पर कुछ आप ढाबे वगैरह भी देख पा रहे होंगे, और ये है अशोका लेलैंड का गेट। दोस्तों इस नैनीताल सीरीज का नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।